देखिए बात ऐसी है कि समय बहुत हो गया, लंबा समय, डेढ़ घंटे आगे लग गया फालतू। मैंने ऐसे लिखा, बैठे बैठे विचार लिखा था मैंने, ये जो बसैया परिवार है भाई, सच्ची बात ये है, ये भगवान ने भेजा हमें रास्ता दिखाने के लिए। कितनी सेवा की इन लोगों ने, इसका बोझ हम उतार नहीं सकते हैं। अगर फिर मैंने लिखा इसमें, अभी स्वामी जी आए थे, वो सनातन धर्म की बात की थी और हरिश्वर की बात की थी। चीज एक ही है, अभी ये प्रकाश को बता दिया। वो सनाती कौन है? जो आर्य समझी है, जो वेदों को जानता है। उसे मैं कहता हूँ, सुनो भैया, बात सुनने की है। संताली में हिंदुस्तान की आबादी 3300 थी। दो मिनट बैठ। हाँ जी, अभी बात सुनो। शांत भाई, शांत। मैं बात सुनो भैया, एक मैं अनपढ़ आदमी हूँ, आप पढ़े क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जितने बोल के सब विद्वान थे, तो मैं अनविद्वान हूँ। मैं पौनी क्लास पढ़ा हुआ हूँ, पौनी पांच क्लास, कुल ही पौनी पांच। और कोचवान टांगा चलाने वाला संताली में दिल्ली आया था 27 सितंबर को। मैं तो कोचवान था, टांगा चला करता भैया, बड़े दूर आपसे करोल बाग दोन सवारी, कनाड पे से करोल बाग दोन सवारी, पहाड़गंज से कुतुब रोड दोन सवारी। अरे भाई आज भी कोचवान हूँ भैया, ठीक है, अब मैं तुम्हारा घोड़ा बनाऊंगा, घोड़ा ये देख लो, भाग लो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं कह रहा था संताली में आबादी कुल 33 करोड़ थी। तो जो भाषण आज हैं, ये भाषण पहले भी ये मुसीबत के मारे हुए थे। अगर पहले हम भाषण ऐसे देते, विचार करते, हिंदू की इकट्ठी होती, ये पाकिस्तान बन सकता ही नहीं था। ये कमाल की बात हुई है। आप पहले उसी से आपने पढ़े, उन लोग आपने हमारा प्यार नहीं है। सुनो, चाहे कुर्सी है, चाहे नोट है, चाहे वोट है, वहाँ खोट ही खोट है। कुर्सी के भूखे हम आपस में लड़ रहे हैं। अभी साजिश की बात की थी, तीन प्रधान, तीन बे, अरे एक लड़की के तीन घर वाले रामदास बैठे हुए हैं, बीवी एक है और तीन आदमी है। बेशर्म का काम हमारी है, भूखे कुर्सी की है भैया, आपको कुर्सी नहीं चाहिए, कुर्सी तुम्हारे पीछे घूम रही, इस कुर्सी कुर्सी पड़ी है। जो आदमी धर्म का भूखे है, संसार में वो जिंदा होगा। और ये क्या सतपाल सिंह जी के महाराज देवता जी, सतपाल सिंह जी आओ, सतपाल सिंह जी मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात से। कहते हैं नन से दोस्ती अच्छी, नन से दुश्मनी अच्छी, दोस्ती अच्छी, नन से दुश्मनी अच्छी, दोस्ती करोगे लुट जाओगे, दुनिया तो जेल में जाओगे। ये वो आदमी नहीं है, मैं बड़ा हैरान हूँ। इतना बड़ा विद्वान और पुरस्कार, इतना बड़ा अफसर, कमाल की बात है। इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसा मैंने लिखा। तो मैं कहता हूँ, देखो पैसे वाला धनवान नहीं हो सकता, पैसे वाला धनवान नहीं है, पढ़ा लिखा विद्वान नहीं है, अमल नहीं है। तो अरे वे तो पढ़ ली, वे तो बात चल रही थी ना, वो खाली पढ़ते हैं, मंदिर का पुजारी खाली पूजा कर डंडन करता है, घर में सारे बीमारी रहते हैं, अमल तो करते नहीं है, खाया जा रहा है मुझके बाद। जो आदमी पढ़ा लिखा विद्वान होगा तो अमल करना पड़ेगा, धनवान होगा तो सेवा करनी पड़ेगी। ओम शांति शांति शांति।